हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम कलर 2TO यानी ट्रेनिंग ऑफिसर और जीएमजीएस 1 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ पासिंग स्ट्रेटजी बनानी है कि हम किस तरीके से एग्जाम देकर पास करें। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने एग्जाम दिया, ठीक है, और फेल हो गए। और कोई आदमी तो ऐसा सा है जो कंटिन्यूअस, आप समझ लीजिए, 2 times होगा, कोई 3 times होगा, कोई 4 times होगा, जो एग्जाम दे रहा है और फेल हो रहा है। ठीक है, सीधा सा बात बता रहा हूं मैं, फेल हो रहा है। और फेल का एक ही रीजन है, एग्जाम की तैयारी लेट करना। सबसे बड़ा चीज क्या है इसका कि एग्जाम की जो तैयारी है आप लेट स्टार्ट करते हैं, यानी प्रिपरेशन ही आप लेट करते हो। ठीक है, प्रिपरेशन लेट करते हैं आप, ठीक है, एक सबसे बड़ा रीजन है। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। अगर आप सोचेंगे नोटिफिकेशन आएगा उस 1 महीने आप तैयारी कर लेंगे तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। अगर कोई भी इंसान ये सोच रहा है कि 1 महीने का टाइम में पढ़ के निकल जाए, निकल सकते हैं, कोई वो नहीं कि नहीं निकल सकते, बिल्कुल निकलते हैं, लोग निकल रहे हैं, निकल भी रहे हैं 1 महीने पढ़ के। पर आपको यह सोचना है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं 1 महीने में या पहले से पढ़ना चाहते हैं। जो लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी आपके मुकाबले काफी अच्छी होगी। ठीक है, ये क्या है, गेम ऑफ कंपटीशन है। यहां सीधा सा बात है कि गेम ऑफ कंपटीशन है, जीतेगा वही जिसकी सीट होगा, जिसका मतलब मेरिट में नाम आएगा। यानी रिटन एग्जाम में अगर आपका मार्क्स नहीं रहेगा तो आप कोई काम के नहीं है। रिटन एग्जाम में यहां पर क्या होना चाहिए, आपको मार्क्स हाई होना चाहिए, तभी आपको काम बनेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू है, तो नेचुरल सी बात है इंटरव्यू भी उसके बाद अच्छी होनी चाहिए आपको। तो इंटरव्यू भी अच्छा होना चाहिए, मतलब इंटरव्यू भी आपको स्कोर करना होगा, दोनों बातें हैं आप। बट हमें सबसे पहला क्या है, रिटन एग्जाम करना। रिटन एग्जाम का नंबर सबसे ज्यादा 60-65 नंबर इसका अकेले ही होता है। अगर मैं रिटन एग्जाम का वैल्यू करूं 65 मार्क्स अगर ये अकेले है, तब सोचिए 100 में 65 मार्क्स कितना वैल्यू होता है। ठीक है, अब इंटरव्यू का भी होगा 20 मार्क्स तो जरूर होगा इसका। ठीक है, अगर इतना मार्क्स है तो आपको सोच के चलना है कि भाई इसमें हम नंबर कम नहीं करें। ठीक है, और इंटरव्यू तो चलो फॉर्मेलिटी, इंटरव्यू सभी को उतना ही नंबर आता है, मोटा मोटी आसपास ही रहता है। मेन चीज है रिटन एग्जाम में कौन नंबर ज्यादा ला रहा है, तो इसलिए मेरा यहां पे एक चीज बोलना है, रिटन एग्जाम के शुरू से पढ़िए, उसके बाद काम बनेगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 है, मैं उस पर आता हूं। एक चीज समझ में आ गया कि आपको शुरू से पढ़ना है, ये दिमाग के अंदर डाल ही लिए बात। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, एक सवाल है कि क्या पढ़े, व्हाट टू स्टडी। तो सबसे बड़ा चीज है कि सिलेबस यहां पे बहुत ही वाइड है। ठीक है, सिलेबस क्या है, बहुत वाइड है। ठीक है, और कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि हम आरोहण पढ़ के चले जाएंगे तो ये काम करेगा, तो ये आप पहली बात है, खुद ही आप गलत सोच रहे हैं। आरोहण सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मैं इसको नहीं मानता सेल्फ सफिशिएंट, आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कंपटीशन। दूसरा चीज क्या है कि आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। आरोहण में भी 400 पढ़ने का अगर आरोहण है, वो तो क्या बोलते हैं आपको, वन लाइन दिया हुआ, तो वन लाइनर से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इससे मतलब आप रट के जा रहे हैं इसको, सिर्फ आप रिमेंबर कर रहे हैं, रिमेंबर से कुछ नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे तो कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी लोग नहीं कर रहे, बाकी लोग पूरे तरीके से कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, पूरा आपको डिटेल्ड स्टडी करना होगा। ठीक है, डिटेल्ड स्टडी करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 में आइए, अब एक सवाल है कितना टाइम हमें देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, हम कब स्टार्ट करें पढ़ाई के लिए। प्रॉब्लम नंबर 3, व्हेन एंड व्हाट स्टडी टाइम हमें चाहिए। देखिए एक बार सीधा सा सॉल्यूशन है कि आपको मोटा मोटी 5-6 months का टाइम चाहिए। ठीक है, 5-6 months का टाइम चाहिए, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूं कि सिलेबस जो है वो बहुत ही वाइड है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस किसी भी बैंक का नहीं है जितना बड़ा एसबीआई का है। ठीक है, आपको 5-6 महीने टाइम लेके चलना होगा,
जहां मैं मानता हूं कि चलो आप एक घंटा पढ़ाई कर रहे हैं 1 आवर की स्टडी के साथ, ठीक है। अगर आप 1 आवर पढ़ रहे हो तो अब जितना समय बढ़ा दोगे 2 घंटा तो समय घट जाएगी, 3 घंटा और घट जाएगी, 4 घंटा और घट जाएगी, ठीक है। बट मेरा ये मानना है अगर आप यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अगर आप 1 घंटा का भी समय लेके चलते हैं तो भी आप 5-6 महीने में कर पाएंगे, हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग आएंगे, अच्छा चलिए एक चीज ये हो गया, हो सकता है किसी के लिए 2 घंटा भी समय लगे, ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं 1-2 आवर लिखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा भी होता ना कि आपको हो सकता है 1 घंटे में समझा रहा हूं बाकी को 2 घंटा लग रहा हो, हर तरह का लोग है, इसलिए 1-2 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। अब एक सवाल और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या स्ट्रेटजी हमें रखना होगा। तो हम इसको 3 भाग में बांटते हैं, स्ट्रेटजी क्या होगा। तो सबसे पहला हो गया हमारा वीडियो कोर्स, ठीक है, यानी आप इसको 3 स्टेप में आप डिवाइड कर लीजिए। स्टेप 1 जो हमारा वीडियो कोर्स है, स्टेप 2 है आरोहण का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, तीसरा हो जाएगा स्टेप 3 क्वेश्चन बैंक भी पढ़ के जाना आपको जरूरी है, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के रहते हैं, ठीक है। स्टेप 4 आपको यहां पे मैंने मॉक टेस्ट 27 में मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा, इतना अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़िया प्यूरिफिकेशन है, ये सारा जो स्टेज है ना ये हम इसको बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन का स्टेज है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। पहला हो गया वीडियो कोर्स किया, पूरा समझ में आ गया, स्टेप 2 में चलेगा आरोहण क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो कर लिया, बहुत बड़ा चीज है, क्वेश्चन बैंक कर लिया, फिर मॉक टेस्ट ले लिया, तभी पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी, इसलिए मैंने बोला 5-6 महीने का टाइम चाहिए, इतना चीज करना है तो समय लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता एक झटके में आप कर लेंगे। अब आ जाते हैं जो हमारा कोर्स कंटेंट होता है, हमारा जो कोर्स होगा प्योरली फॉर SBI TO या JMJS 1 का होगा, ठीक है। ये सारी कोर्सेज आपको ऑनलाइन मोड पे है, ठीक है, यहां पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, उसी के हेल्प से आप पढ़ाई कर पाएंगे। ये लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है जब तक कि आपका पेपर क्लियर नहीं हो, यानी जब भी खरीदेंगे तो आपको ये नहीं सोचना कोई वैलिडिटी का कंसेप्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। वीडियोस रिकॉर्डेड है तो जब मर्जी है तो आप देख सकते हैं, वीडियोस क्या है रिकॉर्डेड है, तो आपको मेरे लिए वेट नहीं करना, डोंट वेट फॉर मी, है ना, आप स्टार्ट आप स्टडी एनी टाइम एंड अनलिमिटेड आप बोल सकते हैं, जितनी मर्जी उतना पढ़ लो भाई, कोई रोका नहीं आपको, ये सबसे बड़ा इस चीज का फायदा हो जाता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कोर्स कंटेंट के ऊपर, ठीक है। देखिए हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जाम दिए समो फेल करके तुरंत उन्होंने ज्वाइन कर लिया, समझ रहे हैं समय को समझ चुके हैं कि मैं अगर वेट करूंगा इतना दिन तो मैं ही मरूंगा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं ऐसा मतलब थोड़ी के सारे लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब पहले से पढ़ाई करो, कोर्स कंटेंट में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा आरोहण वीडियोस, ठीक है, जो कि 2019 प्लस 2020 प्लस 2021 3 साल का आपको पढ़ना जरूरी है, 3 साल का कारण है कि ऐसा नहीं सोचिए खाली 2021 से हो जाए, नहीं सब चीज पढ़ो, क्योंकि यहां से पूछ लेता हो, यहां से पूछ लेता है, यहां से पूछ लेगा, सब जगह से पूछ लेता है। तीसरा नोट्स हो जाएंगे आपको PDF में मिल जाएंगे,
चौथा 3000 सेट का ये क्वेश्चन बैंक है जो कि प्रीवियस ईयर का होता है। पांचवा 27 मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट ही बहुत है, इतना कर लोगे तो क्या बोलूंगा मतलब सब चीज होगी ठीक है। इसका प्राइस है 2000 रुपए, आप 2000 रुपए पे करके एनरोल कर सकते हैं ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। आप वेबसाइट में जाके सिंपली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर, जो हमारा वेबसाइट है वो है www.jaiibcaiib.studymaterial.com। फिर हमारा ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया ठीक है। थैंक यू।